मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ और मेरे को उम्मीद है मैं टिकट की दावेदारी करूँगा। अगर कांग्रेस की टिकट मेरे को मिलती है तो ये चुनाव बहुत ही रोमांचक और कांटे की टक्कर के चुनाव होंगे। किसान आंदोलन, निश्चित ही किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो हमारे मैंने भी किसानों को लेके भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, जो किसानों का दुख दर्द में 10 महीने से बैठे हैं और किसानों की बात अनसुनी कर रही है सरकार, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन, पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन करी थी। और हमारे जो दूसरी पार्टी है इनेलो, इनका तो सबको पता है कितने बड़े किसान हितैषी हैं। कंडेला का कांड, मैम का कांड और कई कांड जो हैं इनके राज के दौरान हुए थे वो कोई नहीं भूला है। वो कांड कितने किसान हितैषी हैं ये सबको पता है। ये सिर्फ अपने वो एक उंगली बाट के शहीद होने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, अपने मित्रों के साथ और कांग्रेस के आला जो यहाँ पे लोकल लीडर्स हैं उनके साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और पहली बात तो अभी टिकट के लिए वेट करेंगे, टिकट किसे मिलती है नहीं, आज ही मैं कुछ के खुल के नहीं कह सकता। अभी तो फिलहाल टिकट की दावेदारी है, टिकट की दावेदारी पेश करेंगे, अगर टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे। देखिए जी, ये तो वक्त आएगा, वक्त बताएगा किसकी जमानत जब्त होती है और किसकी बचती है और कितना के वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। क्योंकि ये पिछले चुनाव में भी वो कह रहे थे भी मैं चुनाव भर के पर्चा भर के कभी नहीं आऊँगा, और दोनों के दोनों चुनाव चीज 2014 के होते जो 2019 के हो, उनको सारा हरियाणा छोड़ के और इलाहाबाद में रहना पड़ा। और सेम की सेम स्थिति इस बार, अगर टिकट मिलती है तो सेम की सेम स्थिति इस बार भी इलाहाबाद में होने वाली है। देखिए जी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, अभी पर्चे भरे जाएंगे, जब चुनाव शुरू होगा तब पता लगेगा किसके साथ फाइट है किसके साथ नहीं है। दिलचस्प होगा मुकाबला, बिल्कुल बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सरकार भी अपना पूरा जोर लगाएगी और इनेलो का तो यहाँ पे ऑलरेडी MLA थे ही, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। देखिए जी, अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती है, कांग्रेस के किसी भी सिपाही को टिकट मिलती है, मैं कांग्रेस का खुल के मदद करूँगा, कोई भी कैंडिडेट हो चाहिए।